दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड की 10th या 12th की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े फैसले के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। छात्रों के लिए जारी हुआ है आदेश, क्या जारी हुआ है आदेश और क्या है बड़ा फैसला, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले आप सभी को एक और न्यूज दे दें। इस समय बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करवाने के लिए यानी कि रद्द करवाने के लिए छात्रों ने ट्विटर पर मुहिम छेड़ दी है। इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होंगे और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी दे दें कि 20 मार्च से शुरू हो सकती हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 20 मार्च से यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं न्यूज़पेपर की ये कटिंग है और यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वे मार्च में होंगी और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इस बार जो छात्रों को यूपी बोर्ड का जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले ऑफलाइन एडमिट कार्ड आते रहे हैं लेकिन दोस्तों इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन एडमिट कार्ड की व्यवस्था दोस्तों की गई है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, यूपी बोर्ड की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।